नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स सिक्स में। आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, न्यूज़ तो एस्टेट से रिगार्डिंग है। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि आप लोगों में से बहुत बार कमेंट आए हुए हैं मेरे पास कि मैम फॉर्म कब निकलेंगे, कब हम भर पाएंगे, क्या होगा हमारा। तो देखिए ना, अब आपके फॉर्म अब स्टार्ट होने वाले हैं 10 नवंबर के बाद आप कभी भी ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट होने वाली है किसके लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए। आप रजिस्टर कर पाएंगे अपने फॉर्म एस्टेट के लिए 26 दिसंबर और 27 दिसंबर को। 26 दिसंबर और 27 दिसंबर को पूरी पूरी उम्मीद है कि आपका जो पेपर है इस बार आपका हो जाएगा एस्टेट का। अच्छा, अब इस बार और क्या क्या न्यूज़ आ रही हैं इससे रिगार्डिंग, वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, कोरोना काल के अंदर जो सेंटर हमारे पिछली बार भी वैसे तो नज़दीक ही आए थे, ज़्यादा दूर नहीं आए थे, और इस बार भी क्या है कि हमारे जो सेंटर हैं हमारे होम टाउन में ही आने वाले हैं। होम टाउन में ही हमारा जो सेंटर है इस बार जो हमारा जो सेंटर बनेगा ना, जिसमें हम लोग पेपर देने जा रहे हैं, वो हमारा क्या होगा, होम टाउन में होगा, हमारे शहर के अंदर या फिर हमारे शहर से बिल्कुल पास। अब हमें ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अरे अभी हमारे जो सेंटर है अगर दूर आ गया तो क्या पता हम इस बार एग्ज़ाम ना दे पाएँ। तो एग्ज़ाम आपने देना है, 100% तैयारी रखी है अपनी जोरों शोरों से। 10 तारीख के बाद आपके एप्लीकेशन का जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो जाएगा 26 और 27 दिसंबर के एस्टेट के एग्ज़ाम के लिए। एक और गुड न्यूज़ है आपके लिए कि हम लोग बड़े हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो गए हैं आजकल, बहुत कॉन्शियस हैं। हम सोचते हैं कि हम ऐसी कहीं जगह ना फंसें जहाँ पर भीड़ भड़क्का हो, कहीं भी ऐसा ना हो कि कहीं हम पेपर देने जाएं और हम खुद अपना कोरोना में फंस कर आ जाएं। तो हमारे जो चेयरमैन सर हैं उन्होंने इस बात के लिए सख्त हिदायत दी है कि एक कमरे के अंदर है ना, अगर पिछली बार 24 जो स्टूडेंट हैं ना वो बैठते थे ना, तो इस बार 12 ही बैठेंगे। 12 स्टूडेंट, एक के बाद एक का गैप होगा, फिर दूसरा स्टूडेंट बैठेगा, फिर एक के बाद फिर से गैप होगा, फिर दूसरा, यानी कि पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए कि जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हमें ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम सेफ भी हैं या नहीं है, पेपर देने जाना भी चाहिए या नहीं देना जाना चाहिए, क्या हम फिर से भीड़ में फंसेंगे, वो लंबी सी भीड़ लाइनों के अंदर जब हमारी चेकिंग हो रही होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला इस बार। इस बार आपको रूम के अंदर पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा, साथ की साथ सैनिटाइजर का भी यूज़ होगा, हैंड सैनिटाइज किए जाएंगे, अच्छे से पूरा हमारा ध्यान रखा जाएगा जब हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे। और 24 जो स्टूडेंट हैं उसमें हम 12 स्टूडेंट बैठेंगे, पूरा गैप होगा। लेकिन हाँ, ये है कि अगर हम थोड़ा बहुत ये सोच रहे थे कि चीटिंग वीटिंग कर लेंगे, तो चीटिंग के चांसेस बिल्कुल नहीं है। अलर्ट रहिए, अपना एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए जोरों शोरों से। एक और न्यूज़ भी इसके साथ ही थी, पिछली बार भी मैंने दी थी अगर किसी की रह गई हो तो, अब की बार अगर आप लोग एस्टेट कर लेते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आप सेट हो जाओगे, लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी आपकी हो जाएगी इसके लिए। एक और बात, अभी जो पिछले रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि आपका 17 अक्टूबर को जो हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था नेट का कॉमर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो लेवल था ना वो ज़्यादा हाई नहीं था इस बार कंपैरेटिवली पिछले। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम आएगा ना, उसका जो लेवल है वो भी पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेवल कम होगा, यानी कि पेपर जो है ना वो आपका ईजी होने वाला है। लेकिन मैं ये तो नहीं कहूँगी, चांसेस हैं कि हो सकता है कि जैसे CBSE वालों ने इस बार का एग्ज़ाम दिया तो बड़ा इजी दिया, और भी जो काफ़ी एग्ज़ाम बाद में हुए कोरोना काल के बाद वो कंपैरिजन में थोड़े से इजी थे, कईयों ने अपने सिलेबस भी कम करा, किसी ने कैसे करा, तो चांसेस तो हैं कि सिलेबस कम नहीं हुआ आपका। ये भी एक आपकी जो एक वीडियो वायरल हो रही है कि आपका सिलेबस कम हो गया, तो सिलेबस आपका कम नहीं हुआ, सिलेबस आपका वही का वही है, ये ध्यान रखिएगा। पेपर इजी आने के चांसेस हैं, लेकिन
मैं नहीं कहूंगी कि आप लोग तैयारी अपने को किए, पेपर इजी आ सकता है, लेकिन हो सकता है कि पेपर मुश्किल आ जाए, तो हमने अपनी तैयारी पे पूरा फोकस रखना है। हमने तैयारी अपनी वही हाई लेवल वाली करनी है। अगर हमारी हाई लेवल की तैयारी होगी तो क्या है, हम लोग अगर पेपर इजी आ जाए तो हमारे स्कोर अच्छे हो जाएंगे। लेकिन हम सोचे हाँ भी पेपर तो इजी आएगा इस बार और हम अपनी तैयारी ना करें, थोड़ा आराम से कर लेंगे, तो हो सकता है उस टाइम में पेपर अगर मुश्किल आ गया तो फिर हम फंस के बेचारे से बन के खड़े हो जाएंगे। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि पेपर जो है ना आपका इजी आए चाहे आपका टफ आए, आपने पूरी तैयारी 100% रखनी है। रजिस्ट्रेशन आपके 10 नवंबर के बाद से स्टार्ट हो जाएंगे, सेंटर आपका होम टाउन में आएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, स्टूडेंट जो है 24 की जगह कमरे में एक रूम में 12 ही बैठेंगे। ठीक है, ये थी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। लगे रहिए तैयारी के लिए, ध्यान रखिए अपना, अपने आप को सुरक्षित रखिए, ताकि जो बहुत से ऐसे एग्जाम हैं जो हमने देने हैं और इस बार हमने नौकरी पानी ही पानी है, एसटेट पार, इस बार एसटेट हमारा पार होना ही चाहिए, एसटेट पार, इस बार एसटेट पार, ये जो हमने नारा लगाया हुआ है इसे हमने पूरा करना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई उमंग नई तरंग के साथ। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।